पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर नया मुरादाबाद मैराथन दौड़ 2022 का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ के लिए मुरादाबाद के युवाओं द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। नया मुरादाबाद मैराथन दौड़ का शुभारंभ मंडलायुक्त मुरादाबाद, जिलाधिकारी मुरादाबाद, SSP मुरादाबाद और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया गया। मुरादाबाद के दिल्ली रोड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय से प्रारंभ की गई ये न्यू मुरादाबाद मैराथन दौड़ में मुरादाबाद के स्कूली बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मैराथन दौड़ के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से पूर्व में ही तैयारियां की गई थी। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग की दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में प्रथम स्थान से लेकर छठे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय से प्रारंभ हुई ये न्यू मुरादाबाद मैराथन दौड़ इको हर्बल पार्क में मुख्य द्वार पर जाकर संपन्न हुई। दौड़ संपन्न हो जाने के बाद प्रतिभागी और सभी बच्चों को मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। इस दौड़ में प्रतिभाग करने वाले प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर रहे बच्चों द्वारा अपनी प्रतिक्रिया को देते हुए कहा गया कि बाल मेले को खूबसूरत अंदाज में मनाने के लिए मुरादाबाद में प्रथम बार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से ये मैराथन दौड़ संपन्न कराई गई है। ठीक है, वैसे तो ये बाल दिवस के अवसर पर मैराथन आयोजित किया था मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने HDFC बैंक के सहयोग से, लेकिन मूल जो उद्देश्य है वो नया मुरादाबाद में जो विकास हो रहे हैं, हर्बल पार्क में जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है उस पर लोगों को अट्रैक्ट करना है। और बहुत काफ़ी काम यहाँ पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पूरी टीम कर रही है। एक नए तरीके से यहाँ पर नया मुरादाबाद को बेहतर करने का प्रयास हो रहा है, चाहे आप रोड देख लें, चाहे इस पार्क को देखने, और एक पार्क बच्चों के लिए और हर एक वर्ग के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ का सेंटर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इसकी शहर से दूरी है उसको भी पाटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो पार्क है वो सारे लोगों के लिए, हर एक तरीके के वर्ग के लिए, वो चाहे बच्चे हों, वृद्ध हों, दिव्यांग हों, महिलाएँ हों, सबके लिए एक बेहतर रिक्रिएटिव सेंटर का काम करेगा। सर, लगता है कि कुछ काम अभी भी बाकी रह गए हैं, उनमें बदलाव की ज़रूरत है, और जो इससे पहले भी काम थे वो पहले हो जाने चाहिए। नहीं, काम तो बहुत सारे बाकी हैं, काम तो अभी शुरुआत हुई है। नए VC साहब ने एक बेहतर दिशा में शुरुआत की है, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो बस यूँ समझिए कि बदलावों की शुरुआत हुई है, काम तो बहुत सारे पड़े हैं। अभी रोड से लेके इस हर्बल पार्क में ही बहुत सारे काम पड़े हैं, बहुत सारे थीम पर इसमें डेवलपमेंट होना है, वो सारी चीज़ें होंगी। और धीरे धीरे ये बहुत पहले से रूपरेखा इसकी बन रही है, लेकिन VC साहब ने इसको नए दिशा में ये लेके आगे बढ़े हैं, तो इनके नेतृत्व में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम बेहतर काम करे। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी आप इसमें बदलाव देखेंगे।